स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की बात करेंगे। विद्यालय में मोबाइल फ़ोन के नियंत्रित उपयोग के लेकर शिक्षा विभाग द्वारा नवीन गाइडलाइन दी गई है और कह सकते हैं शिक्षा विभाग ने अपना फैसला बदला। लंबे समय से मोबाइल फ़ोन बैन है विद्यालय में, लेकिन नियंत्रित उपयोग कर सकते हैं और विद्यालय हित में, विद्यार्थियों के हित में शिक्षण टीचिंग में बाधित न हो, इस प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही बात करेंगे शिक्षा मंत्री का स्वतंत्रता दिवस के ऊपर विद्यार्थियों को दिए गए संदेश की। पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। विद्यालय समय अवधि में मोबाइल फ़ोन के नियंत्रित उपयोग को लेकर शिक्षा विभाग ने फिर एक बड़ा जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इसका उद्देश्य जो उन्होंने मुख्य रूप से बात कही गई है कि मोबाइल फ़ोन से कक्षा की अध्ययन प्रक्रिया बाधित न हो, एकाग्रता में अनावश्यक विघ्न न आए, इसलिए ये जो है वापस सभी शिक्षण संस्थाओं में मोबाइल फ़ोन के उपयोग को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब देख लेते हैं इसमें जो हम बातें की गई है और शिक्षा विभाग की जो मंशा है। उन्होंने जाहिर की है कि विद्यालय में कक्षा अध्यापन के दौरान शिक्षक के मोबाइल की अचानक बजी घंटी जारी अध्ययन की निरंतरता में यह व्यवधान उत्पन्न करती है। ऐसे में इस दशा में आप मोबाइल को स्विच ऑफ रखें, यानी कक्षा अध्यापन के दौरान टीचिंग के समय मोबाइल की घंटी बजती है और जो अध्ययन बाधित होता है इसको लेकर व्यवधान है, तो ऐसे में मोबाइल फ़ोन वहाँ पर बाधित है। इस संबंध में विभाग की मंशा ये है कि कक्षा शिक्षण अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया प्रवाह बाधित न होकर करवाए जा रहे अध्ययन अध्यापन को निरंतर निर्बाध प्रभावी बनाने की है। तो सरकार ने अपना स्पष्टीकरण दिया है कि विद्यालय में जो मोबाइल फ़ोन ले जाना है, ऐसे में कक्षा अध्यापन के दौरान आप उसका उपयोग न करें, क्योंकि ये शिक्षण में बाधित है। दूसरा, इसमें यह भी उल्लेखित किया गया है कि डिजिटल शिक्षण के रूप में आप मोबाइल का उपयोग जो है अध्ययन अध्यापन के लिए कर सकते हैं। तो दूसरी बात जो इस परिपत्र में स्पष्ट की है कि डिजिटल शिक्षण ले रहे हैं हम, बच्चों को दे रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट यूज़ करके दे रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से दे रहे हैं या अन्य किसी माध्यम से दे रहे हैं, तो डिजिटल शिक्षण के लिए मोबाइल का उपयोग अध्ययन अध्यापन के लिए हो रहा है, टीचिंग के रूप में हो रहा है, तो वहाँ मोबाइल यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ ही इस परिपत्र के माध्यम से विद्यालय में कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान मोबाइल का उपयोग नहीं करने की शिक्षकों से अपेक्षा की गई है और यही भी अपेक्षा की गई है कि उक्त शिक्षक भी पालना करेंगे और अपना सहयोग प्रदान करेंगे। तो शिक्षा विभाग ने कुल मिलाकर स्पष्टीकरण दे दिया है मोबाइल फ़ोन बैन जो था उसी को लेकर, कि आप कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अपना मोबाइल जो है उपयोग न करें। बाकी जो विद्यार्थी हित है या अन्य जो गतिविधियां हैं या अन्य जो कार्य है उसमें आप अपना मोबाइल यूज कर सकते हैं या डिजिटल शिक्षण के लिए अध्यापन करने के लिए आप मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे में ये स्पष्ट किया जाता है कि इसमें जो बात कही गई, बता दें कि विभागीय समन्वय संचालन के उद्देश्य से विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए मोबाइल के माध्यम से पूर्व दिए गए निर्देशों के ऊपर जो है प्रतिबंध नहीं है। विद्यालय में मोबाइल के नियंत्रित उपयोग प्रार्थना सभा अन्य कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखने निर्बाध रूप से कक्षा शिक्षण की मंशा से है, यानी जो विद्यालय में मोबाइल प्रतिबंधित किया गया है वो जो है कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बंद रहेगा। बाकी जो कार्य हैं, चाहे विद्यार्थी हित में बात करें, कोई विभाग के हित में कोई अन्य कार्य करने हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही मोबाइल के नियंत्रित उपयोग करना है, प्रार्थना सभा है, अन्य कोई कार्यक्रम है, उनमें भी आप स्विच ऑफ रखें ताकि जो है कार्यक्रम बाधित ना हो। तो ऐसे में शिक्षा विभाग ने ये स्पष्ट किया है और ये अपेक्षा की जाती है कि विभागीय समन्वय अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम गतिविधियों से संबंधित प्रविष्टियों के संबंध में भी मोबाइल का उपयोग करते हुए ध्यान रखें कि इन कार्यक्रमों का संचालन बाधित ना हो, कक्षा शिक्षण भी निर्बाध हो। सबसे इम्पोर्टेंट कक्षा टीचिंग को लेकर ये स्पष्टीकरण है कि क्लास के अंदर आप ना ले जाएं, क्लास के अंदर जो शिक्षण प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आप अपना मोबाइल बिल्कुल भी स्विच ऑफ कर दें ताकि बाधित ना हो। बाकी जो अन्य कार्यक्रम गतिविधियां हैं उन समय में भी आप जो भी प्रार्थना सभा है यानी कोई गतिविधि उस समय बंद रखें, और इसके साथ ही जब कोई कार्यक्रम ऐसा है जिस गतिविधि में कोई विद्यालय में मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना है, गतिविधि की कोई प्रविष्टि करनी है, तो आप मोबाइल का सीमित उपयोग कर सकते हैं। यानी कि मोबाइल का सीमित उपयोग तब करना है जब विद्यार्थी हित में कोई कार्य करना हो, विभाग की कोई योजना को अपडेट करना हो ऑनलाइन, या विभाग के हित में कोई निर्देशित कार्य करना हो, जैसे अभी जियो टैगिंग करनी थी या शाला दर्पण से रिलेटेड कार्य है। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से सरकार ने अपना स्पष्टीकरण दिया है मोबाइल फ़ोन के नियंत्रित उपयोग को लेकर। विद्यालय समय अवधि में मोबाइल फ़ोन किस प्रकार से आप नियंत्रित उपयोग कर सकते हैं, और मुख्य रूप से यही है कि कक्षा अध्यापन के दौरान ना हो इसका उपयोग, ताकि जो है शिक्षण प्रक्रिया बाधित ना हो। बाकी जो है डिजिटल शिक्षण के रूप में आप मोबाइल में अध्ययन करवा रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं, और सरकारी जो भी योजनाएं हैं उनकी प्रविष्टि करनी है तो यूज कर सकते हैं, जैसा कि इस ऑर्डर में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है।
बात करें दूसरे शिक्षा विभाग के ऑर्डर की, वो है माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का विद्यार्थियों के नाम संदेश दिया गया है 15 अगस्त को लेकर। तो इसे प्रत्येक विद्यालय में आयोजित होने वाले स्वाधीनता समारोह पर शिक्षा मंत्री महोदय का विद्यार्थियों के नाम जो संदेश है संस्था प्रधान के द्वारा पढ़ाया जाना है, ये भी सुनिश्चित करें। तो प्रत्येक संस्था प्रधान अपने विद्यार्थियों को ये संदेश जरूर पहुँचाएँ जो शिक्षा मंत्री ने संदेश दिया है। चलिए आपको ये संदेश दे देते हैं। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का ये सभी विद्यार्थियों के लिए संदेश है 15 अगस्त के ऊपर के। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की स्नेह भरी शुभकामनाएं। आप राष्ट्र के भविष्य निर्माता हो, इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सेनानियों से प्रेरणा पाकर हम सभी को देश के प्रति समर्पित होकर राष्ट्र सेवा का संकल्प लेना चाहिए। शिक्षा वह प्रकाश है जिससे संपूर्ण जगत आलोकित होता है। लोकतांत्रिक मूल्यों की व्यवहारिक स्थापना शिक्षा के प्रसार से ही संभव है। इसके लिए आप सभी सदृढ़ संकल्पित होकर अपने जीवन में ईमानदारी से कठोर परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। माँ सरस्वती की आप सभी पर असीम कृपा बनी रहे। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामनाएं करता हूँ। ये शिक्षा मंत्री का जो है संदेश है सभी विद्यार्थियों के लिए 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित। तो ये भी वाचन करना है संस्था प्रधान को। धन्यवाद।